राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो कोई भी धनतेरस के दिन सामान खरीदने के लिए जा रहे हों तो कृपया एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको भी आसानी हो और कोई भी चीज़ आपसे न छूटे, माता लक्ष्मी के पूजन संबंधित कोई भी वस्तु न छूटे। यह जानकारी मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के द्वारा देने जा रही हूँ कि धनतेरस के दिन क्या-क्या चीज़ें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति अवश्य ही खरीदें। जो भी मिट्टी की मूर्ति खरीदें तो उस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी हूँ या हाथी के आसन पर बैठी हूँ। यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। कमल के आसन पर बैठी हूँ या हाथी के आसन पर बैठी हूँ, उनके हाथ में धन का घड़ा हो और साथ में जैसे सिक्के गिराते हुए दिखाती हैं उस तरह से दिखाएं। यह आशीर्वाद वाला मुद्रा अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस मुद्रा वाली लक्ष्मी माता की मूर्ति को लेने, गणेश भगवान की जब मूर्ति ले तो ध्यान रखें कि गणेश भगवान की जो मूर्ति है वह उनकी सूंड बाईं ओर की ओर मुड़ी हुई हो। जो भी मूर्ति लें वो खड़ी मूर्ति न लें, जब भी लें बैठी हुई मूर्ति लें। बैठी हुई मूर्ति शांत मुद्रा की होती है और शांत मुद्रा से ईश्वर मुस्कुराते हुए अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए बैठी हुई मूर्ति लेनी चाहिए। आपके पास सामर्थ्य हो तो आप सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति भी धन त्रयोदशी के दिन ला सकते हैं, यह और भी शुभ रहता है। दूसरी चीज, आप कुबेर यंत्र जरूर ही खरीद करके लाएं। कहा जाता है कि कुबेर का होता है अर्थ कि खजाने का जहाँ संग्रह होता है वह संग्रहालय उन्हें कुबेर कहा जाता है। इसलिए कुबेर जी की पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी के दिन से आरंभ हो जाता है कुबेर देवता की पूजा और वह भाई दूज तक चलता है। 5 दिन तक लगातार पूजा की जाती है कुबेर देवता की, जिससे कि घर के अंदर जो भी धन हो, लक्ष्मी हो, वह सदा सर्वदा घर में भंडार भरा रहे। इसलिए कुबेर की पूजा करनी चाहिए और कुबेर की मूर्ति जरूर ही घर में लाना चाहिए। देखिए, यदि आप मिट्टी की मूर्ति ला रहे हैं तो मिट्टी की मूर्ति लाएं और किसी भी दूसरी चीज़ की मूर्ति न लाएं। आजकल प्लास्टिक और पेरिस की मूर्ति चलती है, वह न लाएं, मिट्टी की मूर्ति लाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरी चीज़, गोमती चक्र। गोमती चक्र माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। गोमती चक्र से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यह अवश्य ही लाएं। चौथी चीज़ होती है कौड़ी। कौड़ी 2 तरह का होता है जो बहुत ही शुभ माना जाता है, एक पीले रंग का, एक सफ़ेद रंग का। ये 2 रंग की कौड़ी अवश्य ही खरीद कर लाएं। जो कौड़ी होती है उसको गिन करके चढ़ाया जाता है लक्ष्मी जी के ऊपर। विषम नंबर जो होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से आप गिन करके लाएं। यदि आपके पास में सामर्थ्य हो तो 108 कौड़ी चढ़ाएं और 108 गोमती चक्र चढ़ाएं। एक कटोरी में गोमती चक्र रखी जाती है और एक कटोरी में कौड़ी रखी जाती है माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, और गोमती चक्र की विधिवत पूजन की जाती है। यह विधान है और यह भी पूजा की जाती है। त्रयोदशी से आरंभ हो जाता है और भाई दूज तक नित्य इस पूजा की जाती है। जब गोमती चक्र बहुत ही पुराना हो जाता है तो बहुत लोग करते हैं कि उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं और नए गोमती चक्र पूजित करके रख लेते हैं। पांचवी चीज हो जाती है नमक। नमक खरीद कर लाएं और नमक से नित्य पोछा करें। नमक से पोछा करने से निगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है और शुभ आगमन होता है माता लक्ष्मी का। यह यूं कहिए कि पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। छठी चीज होती है, छठी चीज आप लेकर के आए धनिया। साबुत धनिया लेकर के आए, क्योंकि कहते हैं कि धनिया धन का प्रतीक माना गया है। इसे धनिया जरूर ही खरीद कर लाएं। यदि आप धनिया खरीद कर नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, धनिया की पत्ती ही खरीद कर लाएं, लेकिन धनिया जरूर ही लाएं।
धनिया की पत्ती भी शुभ माना जाता है क्योंकि धनिया की पत्ती हरी होती है, तो कहते हैं कि घर हरा भरा रहता है। इसे धनिया की पत्ती भी आप ला सकते हैं, यह भी बहुत ही शुभ माना गया। झाड़ू, झाड़ू धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदें। झाड़ू सफाई का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती हैं। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। श्रीयंत्र भी लेकर के आए। कहा जाता है कि एक बार इस पृथ्वी लोक से माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में चली गई भगवान विष्णु के पास में, और वहाँ जाकर बोली कि अब मैं इस पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। उसके बाद में इस पृथ्वी लोक पर धन धान की कमी हो गई, आर्थिक तंगी हो गई और बड़ी ही स्थिति विचित्र हो गई। तब वशिष्ठ मुनि ने बड़ी आराधना करी माता लक्ष्मी की कि हे माता रानी, आप इस धरा पर आए। लेकिन माता लक्ष्मी तो रुष्ट होकर के बैठी हुई थी कि मैं इस धरा पर नहीं आऊंगी। वशिष्ठ मुनि ने जब अत्यधिक पूजा की, आराधना की माता लक्ष्मी की, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोचा कि ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा कि पृथ्वी लोक पर लक्ष्मी की कमी हो जाएगी। तब वह युति निकालते हैं और सब सारे देवताओं से कहते हैं कि मैं एक यंत्र बना रहा हूँ जिसमें कि सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, और उन शक्तियों के पूजन करने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उस लक्ष्मी जो यंत्र है, श्री यंत्र जो है, उसको अधिष्ठित करूँगा। तब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और उनका एक अंश इस श्री यंत्र में आ जाएगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इस कार्य को किया, और जब श्री यंत्र को अधिष्ठित किया, सिद्धि की, तब माता लक्ष्मी मुस्कुरा दी और बोली कि देवता लोगों की भी बड़ी इच्छा है कि मैं इस पृथ्वी लोक पर जाऊं, और उधर वशिष्ठ मुनि भी बहुत आग्रह कर रहे हैं। तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई इस युति को देख करके, और वह बोली, बृहस्पति देव से बोली, माता लक्ष्मी बृहस्पति देव से बोली कि मैं श्री यंत्र में अपना थोड़ा सा अंश डाल दूंगी, जिससे कि जो कोई भी श्री यंत्र की पूजा करेगा उस घर में सदा सर्वदा के लिए माँ लक्ष्मी का निवास स्थान बन जाएगा। तब से श्री यंत्र की पूजा की जाती है दीपावली में। सात मुखी रुद्राक्ष का माला मिल जाए तो यह तो बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन माला ना मिल पाए तो कोई बात नहीं है। सात मुखी रुद्राक्ष के सात दाने भी आपको मिल जाए तो आप उसे ही पूजा स्थान पर रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। यह बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है, और कहते हैं कि भाग्य खुल जाते हैं जिसे सात मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी पूजा वह व्यक्ति दीपावली के दिन कर ले। इसे भी जरूर खरीद के लाएं धनतेरस के दिन। मिट्टी के दीपक जरूर खरीद के लाएं, और धनतेरस के दिन अपने दिवाले में, पूरे घर के कमरे में, हर कमरे में एक एक दीपक जलाएं, छत पर हर कोने में एक एक दीपक जलाएं। इस तरीके से 11 दीपक घर के अंदर जलाएं और 11 दीपक घर के बाहर जलाएं। मिट्टी के दीपक, तेल, रुई, यदि कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे दान भी कर दें। सोने चांदी के आभूषण धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदना चाहिए। यदि कोई असमर्थ हो, वह सोने चांदी का आभूषण नहीं खरीद के ला सकता है, तो कोई बात नहीं है, वह एक मिट्टी का ही, मिट्टी के बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, वही खरीद कर लाए। लेकिन इस तरह की चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। बर्तन धनतेरस के दिन बर्तन खरीद कर लाए जाते हैं। घर में जो पुराने बर्तन होते हैं उन्हें धनतेरस के दिन बेच दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और उसके बदले में नए बर्तन लिए जाते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन लेना चाहिए या फूल का बर्तन लेना चाहिए, स्टील के बर्तन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टील में लोहा होता है,
इसलिए स्टील के बर्तन को वर्जित माना गया है। फूल के बर्तन के लिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ में फूल के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही ज़्यादा फलेंगे और फूलेंगे। पूजा का सामान या धार्मिक वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने जरूर खरीदनी चाहिए। बच्चों के कपड़े धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदने चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से मैंने उन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश की है जिसे धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को कोशिश करें कि जरूर अपने घर लेकर के आएँ, जिससे कि आपके घर में भी शुभ हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो। धनतेरस के दिन से ही माता लक्ष्मी की पूजा की आरंभ हो जाता है, जो कि पूरे 5 दिन तक चलता है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य ही लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।